सब्सक्राइब करें मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 10th क्लास में लास्ट अध्याय में हमने चापों के विषय में पढ़ा था। तीन प्रश्न चापों के थे, वो 96, 97 और 98। अब आज हम चार प्रश्न पढ़ेंगे, 99, 100, 101 और 102। ये चारों जो प्रश्न हैं वो वृत्त पर के स्पर्श रेखा है। वृत्त पर बाहर से जो वृत्त की परिधि होती है उस पे ये स्पर्श रेखा है। अभी आपने चाप की स्पर्श रेखाएं पढ़ी थी, तो आपका पहला प्रश्न आज का हमारा है 99। दिए हुए वृत्त के बाहर दिए बिंदु डी से स्पर्श रेखाएं खींचो। तो देखो, एक वृत्त दिया हुआ, मुझे अच्छे से ध्यान है, अभी मार्च के जो एग्जाम हुए थे उसमें भी ये प्रश्न आया था। एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के बाहर बिंदु डी दिया हुआ है, वहां से आपने स्पर्श रेखा खींचनी है वृत्त पे। ये देखिए, ये मेरा वृत्त है, ये दिया हुआ वृत्त है, जो दिया हुआ है वो हमने सबसे पहले लेना है। और इस वृत्त का जो हम नाम दे देते हैं, जहाँ ये सेंटर है ये नाम हम सी दे देते हैं, और एक बाहर बिंदु है ये मैं ले लेता हूँ, ये है आपका डी बिंदु। ये कह रहा है कि डी बिंदु है, यहाँ से आपने स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, सी और डी को आपस में मिला देंगे और सी और डी रेखा का समद्विभाजन कर देंगे। समद्विभाजन बताने की अब जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, वैसे भी आप बहुत सारे प्रश्न हल कर चुके हैं और इस तरह से हम आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के इस रेखा का समद्विभाजन कर देंगे। और जहाँ ये दोनों चापें मिल रही है वहाँ से हम डॉटेड लाइन लगा देंगे इस तरह से, और जहाँ पे ये आपकी डॉटेड लाइन आपकी समद्विभाजन वाली रेखा सी डी रेखा को काट रही है, यहाँ पॉइंट हमारा आ जाता है ओ। आपने ओ पर प्रकार रखना है इस तरह से, और सी या डी जितनी प्रकार खोल के आपने यहाँ से, देखिए यहाँ से हमने सर्कल लगाना है डॉटेड, हमने डॉटेड एक सर्कल लगाना है ऐसे, जहां पे ये सर्कल जो है वो आपका दिया हुआ वृत्त जो था उसकी परिधि को काट रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो पॉइंट आपके आगे हैं। यहाँ ऊपर हम नाम देते हैं क्यू, नीचे नाम दे देंगे पी। आपने डी से क्यू को मिला देना, तो ये डी से बाहर से स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी आपकी स्पर्श रेखा है, ये आपका प्रश्न नंबर आपका 99 है, इसको आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर, ये 100 है, 100 है। दिए हुए वृत्त की परिधि पर दिए बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचो। देखो, ये जो चार मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, इन चार में से एक पेपर में जरूर आता है। हमें यहाँ पे भी एक दिया हुआ वृत्त है, ये दिया हुआ है, अभी आपको दिया था जो 99 में दिया था क्वेश्चन नंबर 99 में, कि वृत्त के बाहर बिंदु था वहाँ स्पर्श रेखा खींचनी थी। अब वृत्त पर ही बिंदु है, ये आपका ओ है, और वृत्त पर ही एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पे ए। पी कह रहा है कि वृत्त पर बिंदु ए दिया हुआ है, इस ए से अब आपने स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये पहला तरीका था, वृत्त के बाहर से आप कैसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब अगर वृत्त की परिधि पे ही बिंदु दिया है तो आप कैसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल एक बनाना है। हम यहाँ पे 90 डिग्री का एक कोण बना देते हैं, ये देखिए, और इतनी प्रकार खोल के हम यहाँ से चाप लगा देंगे। ये आपका पहली जो चाप होती है वो 60 डिग्री की होती है, दूसरी आपकी 120 डिग्री की होती है, और 120 और 60 के बीच की जो दूरी होती है वो भी 60 की होती है। तो जब इसका हाफ कर देंगे तो 60 इसका हाफ हो जाता है, 30 हो जाता है, तो 30 60 और 30 90, तो 20 में से अगर 30 घटता है 120 में से तो भी 90 ही होता है। तो इस तरह से ये आपका 90 डिग्री आ गया, और ये हमारा जो है वो वृत्त के परिधि पर दिए बिंदु ए से स्पर्श रेखा आ गई है। ये प्रश्न नंबर 100 है, इसको आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। अगला आपका है 101। किसी ज्ञात वृत्त की दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचो
जिनका अंतर्गत कोण मिलने पर दिए हुए वृत्त x के दिए हुए कोण x के समान कोण बनाएं। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक ज्ञात वृत्त दिया हुआ है। तो आपने सबसे पहले एक वृत्त लेना है, मैं एक वृत्त ले लेता हूँ, ये वृत्त दिया हुआ है, ज्ञात वृत्त है, और आपके पास इसका मैं नाम दे देता हूँ O, और एक आपके पास कोण दिया हुआ है X, मैं एक X कोण ले लेता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कोण हम कैसे लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपने इस तरह से एंगल लेना है, इसमें हम लाइन लगा देंगे, ऐसे लाइन लगा देंगे, ये हमारा एक्स कोण आ गया। अब हमने क्या करना है, जो आपका वृत्त है इसमें एक हम व्यास खींच लेंगे, व्यास होता है ऐसी रेखा जो परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलती है और सेंटर से गुजरती हुई जाए, तो इसको हम व्यास कहते हैं, इस व्यास का हम नाम दे देते हैं ए और बी। मैंने आपको कहा था कि आप परिभाषाएं इसकी लर्न करिए, लर्न करेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, ए पर हम जो है वो 90 डिग्री का कोण बना देंगे, जो आपका ए पॉइंट है। आपको मैंने अभी पीछे ही 100 जो प्रश्न किया था उसमें 90 डिग्री का कोण बताया था कैसे बनाना है, ये आपका 101 है, प्रश्न नंबर 101 है, ये आपका 90 डिग्री का कोण हमारा बन गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं कहाँ कहाँ चापे लगा रहा हूँ, आप भी वहीं से चापे लगाइए, और इस तरह से आप इस वृत्त की जो समस्या है इसको हल कर सकते हैं। ये अभी हम डॉटेड लगाएंगे, डार्क नहीं लगाएंगे, ये अभी हमें पता नहीं है लास्ट वाली लाइन कहाँ हमें मिलेगी। और अब आपने क्या करना है, जो आपके पास एक एक्स कोण दिया है इतनी आपने प्रकार खोलनी है, और ओ जो आपका है सेंटर है यहाँ पे आप एक चाप लगा दीजिए। अब आपने क्या करना है, जितना ऊपर को है ये थोड़ा कम है, 60 डिग्री का नहीं बनेगा, इतना है, इतनी हम यहाँ से इसको काट देंगे और इसको हम मिला देंगे इस तरह से, आराम से देखिए। ये प्रश्न चारों इम्पोर्टेंट है और चार में से एक जो है वो पेपर में जरूर आता है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं सी। आपने नाम जरूर देना है हर पॉइंट का, उससे आपको सुविधा रहेगी आगे प्रश्न को हल करने में। देख सकते हैं 90 डिग्री के ही कोण बन रहे, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए 90 डिग्री कोण बनाने में। अब हम जो इस रेखा को डार्क लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे ही यहाँ पे मिलनी है, इस रेखा को डार्क लगा देंगे, और जो ये रेखा है इसको भी मैं वो डार्क लगा देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ मैं ऊपर नाम दे देता हूँ इसका डी। अब हमने क्या वेरीफाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसने कह रखा है कि जहाँ ही दोनों रेखाएं मिलेगी वहाँ दिए हुए कोण x के बराबर कोण बनाए। तो ये देखिए मैं इधर इतनी प्रकार खोल रहा हूँ, d पर मैं प्रकार रख रहा हूँ, यहाँ से मैं ऐसे चाप लगा देता हूँ। अब मैं इसको इतना खोलता हूँ जितना यहाँ मेरे पास है, देखिए यहाँ पर मैंने इतना खोल दिया, ये देखिए ये आपका इक्वल आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल आपका इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रश्न जो है वो सही है, जितना हमारी ये दूरी है इतना हमारे पास यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है, ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो कार्य किया है वो बिल्कुल सही कार्य किया। और आपने यहाँ नाप भी जरूर लेना है आप अपने देखने के लिए कि आपने जो कार्य किया है वो बिल्कुल सही है, ये 101 प्रश्न नंबर है और आप इसको स्क्रीन में भी देख सकते हैं। आपका जो चौथा है सिंगल वृत्त का,
वो है, और ये प्रश्न नंबर है 102, ज्ञात वृत्त की अर्ध परिधि के समान रेखा ज्ञात करो। ज्ञात वृत्त की अर्ध परिधि के समान रेखा ज्ञात करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसके जो पेपर में आने के हैं वो 90% चांस रहते हैं। तो ये ज्ञात वृत्त है, ये मैं लगा लेता हूँ ज्ञात वृत्त है, और ये इसका सेंटर है ओ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस मैक्सिमम ये 90% ये जो है वो पेपर में पूछा जाता है, अपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैंने एक ज्ञात वृत्त ले लिया, ये सेंटर है, सेंटर पे मैं जो है वो एक व्यास खींचता हूँ, ये आपका व्यास आ गया है, और इसके नाम मैं दे देता हूँ ए और बी। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर बी पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, जो कि आप अच्छे से आपको आता है 90 डिग्री का कोण बनाना। बड़े ध्यान से आप इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न पेपर में बहुत पूछा जाता है। इस प्रश्न इस लाइन का बड़ा महत्व है, ये लंबी लाइन आएगी क्योंकि अर्ध परिधि के समान रेखा प्रतीत होनी है, वो इसी से होनी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर है यहाँ पे हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, ध्यान रखना यहाँ से हमारा बनेगा 30 डिग्री का कोण, और वो कैसे बनेगा, ये हमने चाप लगा दी, ये जो आपकी पहली चाप होती है ये जो आपकी चाप लगी है ये वाली चाप है, ये 60 डिग्री की होती है, 60 डिग्री की होती है। इसका अगर हम आधा करते हैं, एक चाप हम यहाँ से लगाएंगे, एक चाप हम यहाँ से इसको काट देंगे, ये बन गया आपका 30 डिग्री का, ये आपने यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाना है। कुछ बच्चे यहाँ पे 60 का ही बना देते हैं, तो आपने बड़ा ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा, इतनी सी इसकी लंबी लाइन आएगी ऐसे। अब आपने क्या करना है, जो आपका ए पॉइंट है यहाँ पे, आप इसके समानांतर रेखा भी खींच सकते हैं, ये कोण आपका 90 डिग्री का है, तो इसी के समानांतर आप यहाँ से रेखा खींचिए, और यदि आपको लगता है कि मुझे हमें अच्छे से कार्य करना है, सफाई से कार्य करना है, तो आप यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। और यदि आप समांतर रेखा खींच रहे हैं तो बड़ी सावधानी से और संभल कर आप खींच सकते हैं, ये देखिए ये हमारी चाप आ रही है, यहाँ पे हम इन चापों को मिला देते हैं, ये आ रही है, और यहीं पे ही हमारा ये 30 डिग्री वाला जो एंगल है वो भी यहीं पे मिल रहा है। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा डार्क भी कर दिया। अब अर्ध परिधि के समान रेखा कैसे प्रतीत की जाती है ये देखना बहुत जरूरी है। आपने क्या करना है, बी से ओ जितनी प्रकार खोल दो, या ओ से ए जितनी प्रकार खोल दो, जितनी भी आप खोल सकते हैं, ये एक ही चीज़ है, इतनी खोलो चाहे आप इतनी खोलो। इसी के समानांतर आपने देखो यहाँ से ये बी पे मैंने प्रकार रखा है, ये आपका आ गया एक पॉइंट, यहाँ से लेना आपने दो, और ये आपका आ गया तीन, मैं नाम लिख लेता हूँ 1, 2, 3, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा डी, ये रेखा है। ये ध्यान रखना है आपने कि ये जो आपने निशान नीचे लगाने हैं ये अर्ध परिधि के बराबर प्रकार कोण है, तो ही आपका प्रश्न सही होगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत होगा। देखिए बिल्कुल, अब आपका जो तीन पॉइंट आया है, ये आपका तीन आया है, इसको आपने सी के साथ मिला देना, जहाँ आपका 30 डिग्री का 90 डिग्री का जो कोण है वो आपस में मिल रहे हैं, वहाँ पे आपने इसको मिला देना है। ये देखिए इस तरह से आपका अर्ध परिधि वाला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है, 102 प्रश्न नंबर है, और इस तरह से आपका सिंगल वृत्त, एक ही सिंगल वृत्त पे बाहर से स्पर्श रेखा वाले प्रश्न कम्प्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम दो प्रश्न और दो समानांतर
दो ही प्रश्न करेंगे और वो हो गए दो समानांतर वृत्तों की आंतरिक और बाह्य स्पर्श रेखा, और वो भी दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप स्क्रीन में इसको देख सकते हैं, आराम से आप इसको अपनी शीट पे बनाइए, वीडियो को रोक करके देखिए कहाँ पे आपने चाप लगानी है, कैसे कैसे आपको बताया गया है, आप आराम से करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।